बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल शबाना मूसा पे। तो आज मैं आपके साथ अपनी दोपहर की रूटीन और शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, आपकी सपोर्ट ही मेरी हौसला अफजाई है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, इस वक्त मैं आई हूँ छत पे। टाइम हो चुका है 4:30 का और तबीयत काफ़ी ख़राब थी। आज मैंने अपनी एक बहन बनी हुई है उससे कपड़े वाश करवाए हैं। ये देखें कपड़े जो हैं वो धो के तो खुश्क होने के लिए छत पे ही डाल गई है। तो मैं आई हूँ देखने के लिए कि कपड़े खुश्क हुए हैं या नहीं, क्योंकि हवा इस वक्त बहुत ठंडी चल रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कपड़े ना लहरा। तो ये देखें जी प्यारे व्यूअर्स, ये देखें ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कपड़े जो हैं वो लहरा रहे हैं। देखें सारा छत जो है ना वो भरा भरा है कपड़ों से। ये हमने ईंटें मंगवाई हैं मेरे यहाँ पे ना, ये थोड़ी थोड़ी दीवार करनी है क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं, बच्चे बार बार चढ़ के कुछ कभी कुछ। और ये देखें जी ये तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे बहन भाई, आज हम लोग दोपहर में मटर और आलू का सालन भी बना रहे हैं और मटर आलू वाले चावल भी बना रहे हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे मटर निकाले जा रहे हैं, साथ में आलू भी पड़े हुए हैं। और ये सिस्टर तैयार करके मुझे देती है और मैं इसको ना बनाऊँगी। और यहाँ पे ये देखिए जी माशाल्लाह से जो चावल हैं वो, और यहाँ पे जी मैंने जो प्याज के ब्राउन करने के लिए रख दिए हैं। और ये देखिए जी यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, बाकी टोटल जो सामान है वो मैंने जो है रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे बना रही हूँ चावल और साथ साथ आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो देखिए फिर आप मेरा व्लॉग। आलू वाले चावल जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, मटर भी और आलू भी। कैमरा मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं है, लिहाजा मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ और एक हाथ से चावल बना रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये देखिए जी जो मेरे चावल का मैंने तड़का लगा दिया, अब मैं इसमें डाल लेगी हूँ ये सारे मसाले। ये है जी टमाटर, हरी मिर्ची, नमक है और दादर मिर्ची है, और ये है कटा हुआ जो अदरक है, और दालचीनी इलायची है। ये मसाले इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ। बिखरा पड़ा नहीं है, यहाँ पे मैंने चावल जो है मैं धो के रख दिए हैं। और ये देखिए जी गैस का आ चुका है बिल, गैस का बिल आया है ये। और प्यारे बहन भाई, यहाँ पे मैंने जो है ना वो मलाई रखी हुई थी, दूध लेते हैं तो दो तीन दिन मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो फिर मैंने ना उसका मक्खन बनाया और अब मैं इसको घी बनाने लगी हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह से मक्खन की लुक देखिए कितनी खूबसूरत आई है। चलिए फिर ये मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और अब घी जो है ना वो मैं बनाने लगी हूँ। मक्खन रखती हूँ ऊपर, सॉस पैन में रख दिया मैंने। और यहाँ पे चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं और अब साथ में भाई के लिए आलू वाला पराठा बन रहा है, क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने आलू वाला पराठा खाना है। और देखिए प्यारे व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यकीन करें ऐसा लग रहा है जैसे देख के चावल है, और बड़ी ही ज़बरदस्त महक। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।